फिर ये लीला छोड़ दे मुझे हिला दे मुझे हिला दे, इसी तरीके से लीला छोड़ दे मुझे हिलाने दे, आप ना हिलाएं मुझे हिलाने दे, लीला छोड़ दे मुझे हिलाने दे। तो टोन में आपको मैंने बता दिया है टाउन हाइपरटोनिया हाइपोटोनिया, अपर लिम लोअर लिम के अंदर टोन, लीला छोड़ दे मुझे हिलाने दे, दिस इज वन गे, लीला छोड़ दे शाबाश मुझे हिलाने दे, लीला छोड़ दे शाबाश, यहाँ से पकड़ के ना लीला छोड़ दे शाबाश, लीला छोड़ दो जरा मुझे हिलाने दे शाबाश, मुझे खुद हिलाने दे लीला छोड़ दे, दिस इज वन, और फिर लीला छोड़ दे, और फिर ये तो नॉर्मल टोन हो गई, और हाइपरटोनिया और हाइपोटोनिया फिर आपकी असेसमेंट के ऊपर है यू नो कि क्या मामला। उसके बाद आपकी जो है वो पावर, अब पावर अगर हम लोअर लिम के अंदर चेक करें तो हमने ना सबसे पहले पावर मैंने कहा था मोट अपर प्रॉक्सिमली चेक करनी, पावर आपने यहाँ से नहीं चेक करनी, पावर आपने प्रॉक्सिमली देखनी है। पावर चेक करने से पहले आप एक मतलब पेशेंट को कहेंगे टांगें इकट्ठी करें, टांगें इकट्ठी करें वापस लेके, तो इससे आपको अंदाज़ा कुछ हो जाएगा कि कोई वीकनेस को ये तो नहीं है कोई ग्रेड ज़ीरो या वन या टू तो नहीं है इस तरह, तो ये तो अब आपने इसमें तो ऑलमोस्ट अगर होगी भी तो ग्रेड फोर या ग्रेड फाइव ही होगी यू नो। तो हिप पहले हिप के अंदर चार ग्रुप्स एक्सटेंसर फ्लेक्सर और अबडक्टर एडक्टर। अब मैं इससे फ़र्ज करूँगा जी टांग ऊपर उठाएँ तो ये क्या कर रहा है, ये हिप को फ्लैक्स कर रहा है, मुझे उठाने नहीं देनी, मुझे उठाने नहीं देनी, टांग ऊपर उठाएँ मुझे उठाने नहीं देनी, ये हिप को फ्लेक्स कर रहा है और मैं अगेंस्ट उसके रेजिस्टेंस दे रहा हूँ। पाँव नीचे करें मुझे करने नहीं देने, ये हिप के एक्सटेंसर चेक हो रहे हैं, पाँव नीचे करें तो इसके अंदर ग्रेड फाइव पावर है ये, ठीक। इसके बाद ये टांगे बाहर को निकालें मुझे करने नहीं देनी, ये हिप के अबडक्टर्स, टांगे अंदर को करें मुझे करने नहीं देनी, मुझे रुक हिप के एडक्टर्स। तो उसके बाद ये अपनी जो एडी है ना अपने ये टांग को लगाएं मुझे करने नहीं देनी, नी के फ्लेक्सेस अंदर को करें नी के फ्लेक्सेस, टांग बाहर को करें मेरे हाथ पे जोर लगाएं शाबाश नी के एक्सटेंसर्स और एक्सटेंसर्स बाहर कह रहे हैं ना, ये मेरे हाथ पे जोर लगाएं प्लांटर फ्लेक्शन, मेरे हाथ पे जोर लगाएं प्लांटर फ्लेक्शन, ऊपर को जोर लगाएं डॉर्सी फ्लेक्शन। तो ये मूवमेंट्स आपने अपर लिम लोअर लिम के अंदर चेक करनी है। हाँ अगर कहीं वीकनेस है तो आप कह सकते हैं कि जी आपके जो हिप के अबडक्टर्स एंड एडक्टर्स दे आर वीक से 4/5, रेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द मसल्स दे आर नॉर्मल, या जो भी फिर होगा अकॉर्डिंगली यू नो। जो अपर लिम के अंदर है बाजू ऊपर उठाएं नीचे करें, अब आप बाजू ऐसे रखें तो ये जो है ना ये इसने इस वक्त हिप शोल्डर के अबडक्शन हो रही है, ये मुझे नीचे नहीं करने दे, नीचे नहीं करने देना, ये अबडक्ट किया हुआ है ना मैं उसके ऊपर नीचे करें, ये मुझे करने नहीं देना एडक्शन शोल्डर की अपनी तरफ खींचे, एल्बो पे फ्लेक्शन फ्लेक्सेस हो रहे, मेरे हाथ पे जोर लगाए एक्सटेंसर चेक हो रहे हैं, और उसके बाद ये मेरी हैंड ग्रिप हाथ दबाएं जोर से, तो एक स्मॉल मसल हैंड के लिए ना आप शॉर्ट एक हैंड ग्रिप चेक कर लें, अगर डिटेल एग्जामिनेशन करना हो तो हैंड से मसल का वो फिर थोड़ा सा ज़रा डिटेल है, उसमें ये है कि सारे मसल जो हैं दे आर सप्लाइड बाय दी अल्लर नर्व, सॉरी अल्लर नर्व, अल्लर नर्व एक्सेप्ट जो है वो लॉफ है, टू लेटरल लुम्बरिकल्स ओपोनेंस पॉलिसिस अबडक्टर पॉलिसिस और फ्लेक्सर पॉलिसिस, ये जो है ना दे आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, अदरवाइज ऑल ऑफ द मसल ऑफ द हैंड दे आर सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व एक्सेप्ट लॉफ, टू लेटरल लुम्बरिकल्स अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपोनेंस। अब ये अगर है थंब की मूवमेंट्स ये हैं, ये फ्लेक्शन है ये एक्सटेंशन है ये अबडक्शन, ये ऊपर को करें ये अबडक्शन है सीलिंग की तरफ, ये एडक्शन ये फ्लेक्शन है अक्रॉस द पाम, ये एक्सटेंशन है ये अबडक्शन है ये एडक्शन है और ये इसकी ओपोनेंस है, ये ओपोनेंस है और ये फ्लेक्सर है, फ्लेक्सर जब इसको मिलाने की कोशिश करते हैं तो फ्लैक ये फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है ये अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस स्टैंड आउट हो गया बेसिकली, ये ओपोनेंस है दे आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। तो उसके अंदर
अगर हमने मीडियन नर्व को इंडिविजुअली करना है तो आप ये जो है अंगूठा अपनी छत की तरफ करें ना, ये मैंने इसको एक्शन करवा लिया पहले, मुझे नीचे नहीं करने देना। तो ये क्या चेक हो रहा था? अबडक्टर, एबडक्टर हो, अबडक्ट किया हुआ है ना उसने, तो अबडक्टर पॉलिसीज बिहेवियर चेक हो रहा है। ये उंगली जो है वो ना, ये अंगूठा उंगली की तरह लगाए, मुझे करने नहीं देना। ये फ्लेक्सेस, ये फ्लेक्सर पॉलिसीज बिहेवियर चेक हो, ये ऐसे करें, रिंग बनाए, मुझे इसमें से गुजरने नहीं देना। ये ओपोनेंट्स, ये ओपोनेंट्स, मुझे गुजरने नहीं देना। ये ओपोनेंट्स, सर एबडक्टर का दोबारा बता दो। ये छत की तरफ करो ना, या आप यहाँ पे अंगूठा रखे ना सीधा, जैसे कोई छत पे करें, मुझे ऊपर नहीं करने देना। ये भी एक तरीका है, लेकिन जनरली जो है ना, अगर मिनिमल वीकनेस हो ना तो उसमें एक्शन पहले कराते और फिर पावर चेक करते। वो अगर मिनिमल वीक, अगर बहुत ग्रॉस वीकनेस हो तो फिर जो है ना वो आप एक्शन पहले नहीं कराते। इसमें क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि इसकी अच्छी स्ट्रेंथ है, तो मैंने क्या किया, एक्शन पहले करा ली। अब ये इस किस एक्शन में है? एबडक्टर पॉलिसीज ब्रेवस के एक्शन में है। तो अब मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे अब तुमने नीचे नहीं करने देना। तो ये मिनिमम स्ट्रेंथ जो होगी ना, वो इससे पकड़ी जाती है मुझे। और आपने को पूरा बॉडी नहीं उसके ऊपर डाल देनी, यू नो, आपने भी एक रीजन है, मेरा प्रेशर जो है वो रखना है, हम नीचे से नहीं करना। ये ओपोनेंट्स हो गया, बाकी समझ गए आपने। ये मीडियन नर्व है, और जो लुम्ब्रिकल्स हैं उसके अंदर ये फर्ज करें पेपर है, ये जो पामर इंट्रोशिया है, ये जो है ना, ये एडक्ट कराते हैं पैड से, याद रखें। तो ये कागज़ बीच में रखें, ये कागज़ है, अब मुझे इससे निकालने नहीं देना। तो ये मैं इसके पामर इंट्रोशिया चेक कर, जो कि एडक्टर है, ये एडक्ट किया हुआ है ना, इसने फिंगर्स को एडक्ट किया, अब मुझे कागज़ को निकालने नहीं देना। ये एडक्टर है, और उंगलियाँ खोलो, ये डॉर्सल इंट्रोशिया है, मुझे इकट्ठा नहीं करने देना, मुझे इकट्ठा नहीं करने देना। ये है डॉर्सल इंट्रोशिया, राइट। तो हैंड्स में अगर आपने करना हो, लेकिन जनरली तो ग्रिप ऑफ दी हैंड से ही आपको पता लग जाए। अभी तक जो मैंने कराया वो करो, टोन चेक करोगा सर, बस हो गया, जो भी जिस तरह मैंने किया है टोन का,